हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय नियस एकेडमी। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो, दैट इज़ योर हाउ टच स्क्रीन वर्क, या फिर अगर बात करें व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग बिहाइंड योर टच स्क्रीन्स, कैसे काम करती है यार ये टच स्क्रीन जिसको आप यूज़ कर रहे हो, जिस पर आप मुझे देख पा रहे हो, वो कैसे काम करती है। ठीक है, इस पर कुछ आप डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको पता है कि यार जो टच स्क्रीन है वो आई कब थी? इट वॉज इन 1965। पता है इसका जो इन्वेंशन है टच स्क्रीन का, दैट वॉज डन इन 1965। उस टाइम पे एक सिंगल टच की टच स्क्रीन आई थी, जिसमें मतलब आप सिर्फ सिंगल टच करोगे और कुछ ना कुछ आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। मल्टीपल टच जो आज होते हैं, मल्टीपल टच आप एक साथ तीन तीन फिंगर्स से काम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ से यहाँ तक में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इवन ये भी डिस्कस करेंगे कि इन फ्यूचर क्या क्या टेक्नोलॉजीज आने वाली है, या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी रनिंग में अभी चल रही है जो कि एडवांस है विद रिस्पेक्ट टू टुडेज टेक्नोलॉजी, जो आज आप यूज़ कर रहे हो, जिसमें आप मुझे देख पा रहे हो। आई होप यू आर वॉचिंग मी इन मोबाइल फ़ोन। सो वो है आपकी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, दैट इज़ योर कैपेसिटिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी ना, जो इससे पहले आई थी, दैट वॉज योर रजिस्टिव बेस्ड टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। अगर बात करें यार रजिस्टिव टेक्नोलॉजी की, तो उसमें होता क्या था यार, अगर सिंपली बात करें क्या होता था, अगर आप इलेक्ट्रिकल से नहीं भी है ना तो भी आपको समझ में आएगा, मैं ये ट्राई करने की कोशिश करूँगा। तो सुनो यार, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल का वायर है, लेट्स से कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, अगर आप उसमें अपना हाथ या फिर कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, लेट्स से आपने कोई कंडक्टर उसको अटैच किया, कुछ वायरिंग आपने अटैच की, तो उससे होगा क्या कि उसका कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ द करंट वो फ्लो करेगा आपके हाथ से। लेट्स से कोई करंट फ्लो कर रहा है, आपने हाथ टच किया, तो क्या होगा, आपको झटका लगेगा कुछ ना कुछ। तो उसमें हो क्या रहा है कि कुछ ना कुछ करंट आपके हाथ से क्रॉस कर रहा है, उसको एक कंडक्टिव पाथ मिल रहा है। इसी फंडे के ऊपर ही काम करती है आपकी ये टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। कौन सी वाली? जो है रजिस्टिव। होता क्या है इसके अंदर यार, दो कंडक्टिव लेयर्स होती है। देखो जब टच स्क्रीन बना रहे हो तो उसमें डेफिनेटली क्या है, कुछ ना कुछ तो लेयर्स होगी ना। अब यार वायर्स तो होंगी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा डिस्प्ले है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होने वाली है। तो होता क्या है, दो लेयर होती है आगे पीछे। एक लेयर में क्या होता है, दोनों लेयर में क्या होता है, कंडक्टिव पाथ होते हैं। सिंगल लेयर में क्या होता है, आपका कुछ करंट फ्लो करता है। वो क्या रहा है, मतलब एक लेयर में करंट फ्लो करेगा, दूसरे लेयर में कुछ करंट फ्लो नहीं करेगा। अब होगा क्या, जब ये जो लेयर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो टच करेगी आपके उस लेयर को जिस लेयर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो होगा क्या, कुछ पार्ट उसमें से क्रॉस कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर मुझे इस लेयर को टच करना पड़ेगा उस लेयर से जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रेस, कुछ ना कुछ आपको उस पर प्रेशर डालना पड़ेगा। तो पता है आपको, जो लास्ट टेक्नोलॉजी थी, या फिर बात करूँ कुछ टाइम पहले तक, जब अपन ATMs पे जाते थे तो आपको क्या करना पड़ता था, कुछ प्रेस करना पड़ता था, प्रेशर लगाना पड़ता था उसके ऊपर, क्योंकि वो थी क्या, रजिस्टिव टेक्नोलॉजी। इवन जो पुराने फोन्स थे, अभी जो बात करें पुराने जो फोन थे, उनमें होता क्या था, आपको प्रेस करना पड़ता, थोड़ा आपको उस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ता था, तब क्या होता था वो एक्सेप्ट करता था टच को। तो उसके पीछे रीजन क्या था, बिकॉज इट वॉज रजिस्टिव टेक्नोलॉजी। उसमें होता क्या था कि आप जब प्रेस करते थे तो एक कंडक्टिव लेयर वो क्या करती थी, दूसरे को टच करती थी, और आपका जो करंट था वो थोड़ा सा पास करता था किससे, दूसरी लेयर से। और जहां से करंट पास कर रहा है ये हम डिटेक्ट कर लेते विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। मालूम पड़ गया ना कि कैसे काम करती है, सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट कर लिया कि यार करंट कहाँ से पास करी, तो हम बोल देते कि यार ये फंक्शन परफॉर्म करना है, इस पॉइंट पे अगर टच करेगा इसका मतलब आपको ये, आपको गैलरी खोलनी है या फिर कैमरा खोलना है, इस तरह से मैं कुछ इसको प्लान कर देता था। बात समझ में आ रही क्या होता था? तो सिंपली क्या होता था, दो लेयर है, दो लेयर्स के अंदर क्या, दो लेयर्स है, उसमें एक में करंट फ्लो कर रहा है, एक में कुछ करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मैंने इसको इस तरह से प्रेस किया कि ये फर्स्ट लेयर नेक्स्ट लेयर से टच करती है, टच करने से क्या होता है, कुछ करंट उस वाली लेयर से पास कर जाती है। इन दोनों को सेपरेट रखते हैं हम किससे, विद द हेल्प ऑफ स्पेसर्स। स्पेसर्स मतलब कुछ स्पेस रखोगे ना उसके बीच में, स्पेसर्स आपने लगाए ताकि उसमें वो चिपके ना। अगर वो स्टार्टिंग में चिपक जाएंगे तो करंट फ्लो करने लग जाएगी स्टार्टिंग से, तो उसमें कुछ रीजन ही मतलब नहीं निकला ना। तो इसका मतलब हमें दो स्पेस, हमें बीच में स्पेसर्स लगाने पड़ेंगे दो कंडक्टिव लेयर्स के बीच में। अच्छा सर, कंडक्टिव लेयर्स के बीच में स्पेसेस लगाए, ठीक है सर, पर ये इसमें विजिबल कैसे, दिख कैसे रहा है ये? पता आपको, जो ये कंडक्टिव मटेरियल है जिसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ योर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। मतलब ऐसा कि यार जो वायर्स जो आप यूज़ करते हो वो तो क्या होते हैं, वो तो होते हैं सर जिसमें आप कुछ देख नहीं पाते, उसमें विजिबिलिटी थोड़ी। अगर आप बहुत सारे वायर लगा दोगे मेरे सामने तो मुझे कुछ दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। पर जो ये जिसके आप जो ये कंडक्टिव मटेरियल यूज़ करते हो आप टच स्क्रीन के अंदर, उसमें क्या होता है, वो प्योरली विजिबल है, जिसके अंदर आप प्योरली देख सकते हो आर पार। ठीक है, वो बनता किससे आपका, दैट इज़ मेड बाय इंडियम टिन ऑक्साइड। इंडियम टिन ऑक्साइड से बनता है ये कंडक्टिव लेयर्स होती है, वो कंडक्टिव मटेरियल होता है जो कि क्या होता है आपका, दैट इज ट्रांसपेरेंट। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग। चलो बात करते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की, दैट इज योर व्हाट,
कैपेसिटिव टच टेक्नोलॉजी जो आप अभी यूज कर रहे हो, जिसमें मुझे आप देख पा रहे हो, वो कौन सी आपकी, दैट इज योर कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, अगर सिंपली बात करूं, अगेन यहां पर भी है आपके दो लेयर्स, दोनों लेयर्स क्या है, कंडक्टिव, अगेन वो सेम मेटल जो आपको बताया उससे बनती है, कौन से, इंडियम टिन ऑक्साइड से ये फिर से बनाई गई। ठीक है, हुआ क्या यहां पे, मैंने क्या किया, जो नीचे वाली लेयर थी, लेट्स से नीचे जो लेयर है उसमें मैंने क्या किया, कुछ वोल्टेज से क्रिएट किए चार्जेस। अगर चार्जेस क्रिएट होंगे तो मुझे एक बात बताना, चार्जेस स्टैटिक चार्जेस क्या क्रिएट करते हैं, वो करते हैं क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यार नाइन्थ का कॉन्सेप्ट है, नाइन्थ का कॉन्सेप्ट क्या, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर स्टैटिक चार्जेस हैं तो क्या क्रिएट करते हैं, वो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट। अब आपके पास एक लेयर और है सर ऊपर, नीचे तो लेयर जिसपे आपने क्या कर दिए, पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट किया, ऊपर लेयर उस पर आपने क्या क्रिएट किया, दैट इज योर नेगेटिव चार्जेस। कैसे क्रिएट होता हो, आपके जो नीचे पॉजिटिव चार्जेस हैं उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगी, वो क्या करेगी, ऊपर जनरेट करेगी आपके कुछ पॉजिटिव चार्जेस। तो अगेन बात करें, दो लेयर है सर, अभी मैंने कुछ टच नहीं किया इसको, मैंने क्या किया सिर्फ दो लेयर बनाई, एक लेयर पर लगाया पॉजिटिव वोल्टेज, लेट्स से कुछ वोल्टेज लगाया जिससे कुछ चार्जेस क्रिएट हुए, उससे कुछ अपोजिट चार्जेस ऊपर वाली लेयर पर क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, जैसे ही आप अपने हाथ को या फिर अपने हैंड को लेके आओगे उसके पास में, तो क्या होगा, कुछ चार्जेज जो है वो आपके फिंगर्स टिप में चले जाएंगे, आपके फिंगर्स में क्या होंगे, कुछ चार्जेज चले जाएंगे। अगर चार्जेज आपके फिंगर टिप में आ गए तो क्या होगा, वहां का जो वोल्टेज है वो क्या करेगा, डिस्टर्ब कर जाएगा। जैसे ही वोल्टेज डिस्टर्ब करेगा, आप बता दोगे यार यहाँ पे कुछ वोल्टेज डिस्टर्ब हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे टच हुआ है, वो आप क्या करोगे विद द हेल्प ऑफ सब सॉफ्टवेयर आप डिटेक्ट कर लोगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ टच हुआ है बिकॉज यहाँ का चार्ज कम हो गया बाकी जगह के कंपेरिजन के अंदर। बात समझ में आ गया, तो ये है आप टच टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही सिंपली फंडे पे काम करती है। इसमें क्या, सिर्फ आपने दो प्लेट लगाई, एक पे आपने चार्ज क्रिएट किया, दूसरे पे ऑटोमेटिकली चार्ज बना, और आपने जैसे टच किया तो वहां का चार्ज हुआ डिस्टर्ब, डिस्टर्ब होने से मिला आपको कुछ एक वोल्टेज। बात समझ में आई क्या, दिस वाज योर कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी, इवन यू आर यूजिंग दिस राइट नाउ, हर जगह आज आपकी जो टेक्नोलॉजी दैट इज यूज बाई दिस ओनली, मतलब कैपेसिटिव ही आपका जो है अभी बहुत प्रचलन में चल रहा है। ठीक है, अगर बात करें सर इससे एडवांस भी कुछ है क्या, हाँ इससे एडवांस भी कुछ है, दैट इज योर सरफेस वेव बेस्ड टेक्नोलॉजी। मतलब अभी क्या हो रहा है कि आप वेव ट्रैवल करवा रहे हो सरफेस के नीचे, मतलब देखो इसमें भी तीन चार फंक्शंस है, इसमें भी तीन चार मेथड्स है। अगर बात करें सबसे पहला जो है दैट इज योर अकॉस्टिक वेव टेक्नोलॉजी, इसमें होता क्या है कि आप अपनी जो टच है, आप अपनी जो डिस्प्ले है उसके नीचे आप ट्रैवल करवाते हो अकॉस्टिक वेव, या बोलो अल्ट्रासाउंड वेव, जो आपकी जो ऑडिबल वेव्स होती है ना उसकी बात कर रहे हैं, वो वेव्स क्या करती है, ट्रैवल करती है इन द नीचे वाले पाथ में ऑफ योर डिस्प्ले, जहां पे आप टच करते हो उसके नीचे कुछ वेव्स ट्रैवल करती है। ठीक है, तो वो जब ट्रैवल करती है और अपना आप हार्ड टच करते हो तो क्या होता है, कुछ एनर्जी उस वेव की आपके हाथ से होकर निकल जाती है, बिकॉज यार जो अकॉस्टिक वेव है या फिर बोलो जो मैकेनिकल वेव्स है उनको कुछ अगर पाथ मिल जाए तो वहां से वो क्रॉस कर जाती है, क्योंकि वो हमेशा उनको क्या चाहिए, एक पाथ चाहिए उसको, उनको एक मीडियम चाहिए। तो वहां का जब आप जब टच करोगे तो वहां का क्या होगा, जो वेव है, जो वेव का जो स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, वीक हो जाएगी। तो उससे आप क्या डिटेक्ट कर लोगे कि यहाँ इस पॉइंट पे क्या हुआ, वेव वीक कर गई, तो इसका मतलब यहाँ पे पक्का कोई ना कोई टच हुआ होगा। तो इस पे काम करती होगी कौन सी, दैट इज योर सरफेस वेव बेस्ड टेक्नोलॉजी। इवन एक और है, दैट इज योर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, आप ग्रिड बनाते हो, ग्रिड मतलब एक ऊपर से एक नीचे से, आप क्या करते हो बहुत सारे इंफ्रारेड रेज को क्या करते हो, पास करते हो, और फिर जैसे ही आप टच करोगे तो क्या होगा, इंफ्रारेड रेज डिस्टर्ब होगी, जहां जिस पॉइंट पे डिस्टर्बेंस आया आप क्या बोल दोगे कि यार इसका मतलब यहां पे टच हुआ होगा विद द हेल्प ऑफ अगेन सम सॉफ्टवेयर। बात समझ में आई क्या, तो ये कुछ थी आपकी जानकारी अबाउट योर टच स्किन टेक्नोलॉजी। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा डेफिनेटली। अगर आपको कोई चीज के बारे में जानकारी लेनी या फिर आपको कुछ समझना है इन योर रियल लाइफ, आपको कुछ लगता है कि यार ये टॉपिक है जिसके बारे में अगर सर बताएं तो बहुत मजा आ जाएगा ना, तो डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए, और हम डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम पे जो वीडियो उसी पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.